का शुभारंभ कर रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी, वास्तव में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था, उसके नाम पे राशन कार्ड होता था लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था, उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग डकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए, कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य और रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ, भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ, उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीज से ही गायब होता था, अब वो बीज से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था, इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन, इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है, जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है, और सुशासन का यही मॉडल रामराज्य है। बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न जात, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले, और यह न केवल 14 के बाद देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं, याद करिए, आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी, भयग्रस्त थी। दुनिया आतंकित भी थी, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ
भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण 140, 142 करोड़ लोगों का क्या हो पाएगा, ये सबकी चिंता का विषय था। और भारत में भी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये सबकी चिंता का विषय था। लेकिन हम कह सकते हैं कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। यानी ये परिवर्तन, ये देश वही है, लोग वही है, सिस्टम सब कुछ वही है, बदला है कार्य संस्कृति। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति जो बदली, आज उसका परिणाम हम सबके सामने किस रूप में देखने को मिल रहे हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम आपसे बार इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि ये जो कार्य संस्कृति बदली हुई, कार्य संस्कृति का लाभ कैसे प्राप्त हुआ, स्टेप दर स्टेप। हर जरूरतमंद का कार्ड बनना, हर फेयर प्राइस शॉप में ई पॉस मशीन का लगना, हर फेयर प्राइस शॉप को यहां पे शासन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के साथ एक स्क्रीन के साथ जोड़ देना, और फिर यही नहीं, वहां पे भी सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से एक ही बार में एफसीआई गोदाम से सीधे राशन कोठी की दुकान में राशन जाएगा, यह भी एक निर्णय था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, वह भी पूरा किया गया। और अब मॉडल शॉप, ये मॉडल शॉप केवल मॉडल शॉप नहीं है, अन्नपूर्णा भवन जो है ना, यहां पे राशन वितरण करने की व्यवस्था हो सकता है कि कभी कोटेदार अपनी मजबूरी के कारण छोड़ना चाहेगा तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दुकान वही रहेगी, भले ही व्यक्ति बदलेगा, व्यक्ति से समूह को जा सकता है, समूह से व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन दुकान एक ही जगह में बनी रहेगी, एक लाभ ये होगा। दूसरा, राशन वितरण के साथ साथ व्यक्ति जब आएगा तो उस राशन की दुकान में अन्य सामान भी लोगों को मिल जाएंगे, किसी को दवा लेनी हो, जेनरिक दवा लेनी हो, किसी को घर की अन्य आवश्यकताओं की आवश्यकता के लिए भी खरीदारी करनी हो, सस्ते में वह सामान भी वहां पे आप लोग बेच पाएंगे, इसकी सुविधा भी रहेगी। तीसरा, राशन जो आएगा उसके लिए एक स्टोर भी रहेगा, गोदाम भी रहेगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ, जिसमें लोग सुरक्षित रख भी पाएंगे। ऐसा नहीं, पहले होता क्या था, राशन की दुकान एक जगह और स्टोर कहीं और जगह, तो उसमें भी घालमेल होता था, यह भी बंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी है वह है कि एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर, सर्टिफिकेट, जमीन का कागज ले ले, जन्म है, मृत्यु है, आयु है, जाति है, सभी प्रमाण पत्र की सुविधा वहीं पे एक ही जगह, एक ही स्थान पे। यानी राशन की दुकान ही नहीं है बल्कि यह एक मोदी मॉडल, एक नया, अब गरीबों की, जरूरतमंदों की सुविधा के लिए एक ही जगह आपको उपलब्ध हो पा रहा है, इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और आज 1100 दुकानें हो रही हैं, आप देखना बहुत शीघ्र इसको हम सभी 80,000 दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनके संचालकों को, प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो इस सुविधा का लाभ ले रही है, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान और उसके उपरांत 5 वर्ष के लिए हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ जोड़ करके उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था वह अक्सर से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कितने क्वालिटी के बैग हैं,
सबको राशन की सुविधा मिल रही है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राशन का एक बार लिया, उस बैग को सुरक्षित रखा, अगली बार गए उसी बैग को लेकर के आइए, आपको फिर से वह सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यानी यह सुविधा पहली बार हो रही है, जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और यही तो हुआ है डबल इंजन की सरकार, इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि यहां पे एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। इतना बड़ा कार्य एक साथ हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत, पहले मनरेगा का मतलब क्या होता था, 17 के पहले यूपी में पहले एक तालाब खुदता था और अगली बार काम नहीं तो कहते थे कि भाई अब ये काम करो, इस तालाब को पार डालो, फिर अगली बार उस तालाब को फिर खोदो, तो पूरा पैसा तालाब को खोदने, पाटने और फिर खोदने में ही लग जाता था। अब देखिए काम हो गया तो अन्य कार्य के अलावा अब क्या काम होना है, भाई अब गांव में एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बनाओ। अन्नपूर्णा भवन का मतलब मॉडल फिर प्राइस शॉप, एक साथ सभी प्रकार की सुविधा वहां मिल गई, सभी प्रकार की सुविधा, गांव में लोगों को रोजगार भी और अन्य प्रकार के। आप देखिए ना, राशन कार्ड की दुकान में एक व्यक्ति राशन बेचने में और सामान बेचने में लग गया, एक वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने को एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी मिलेगी, अन्य लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यों के साथ वहां जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छी सुविधा वहां के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और यह कार्य आज एक साथ यहां पे ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, यह विजन के लिए जिसका लाभ हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, इन सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बहुत शीघ्र कुछ और भी बड़े कदम इस क्षेत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। हर राशन कार्ड को आधार सीटिंग का काम चल रहा है और फिर 100 अभी आपने देखा होगा मोदी की गारंटी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव गई थी। गांव गांव जाने का उद्देश्य था सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिस व्यक्ति के पास जो सुविधा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको सुविधा से लाभान्वित करने की तैयारी करना, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करना। नौकरी रोजगार